असम आतंकी संगठनों के निशाने पर है। बांग्लादेश के रास्ते जेएमबी, अलकायदा सहित कई आतंकी संगठन असम में प्रवेश करने की फिराक में है। असम पुलिस को राज्य में इन आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले कई लोगों की जानकारी भी हाथ लगी है। कछार जिले में असम मिजोरम सीमा इलाके का दौरा करने के बाद पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन अपना नेटवर्क बनाने के लिए हदिश शिक्षा के साथ साथ कई अन्य तरह के प्रलोभन देकर मुसलमान युवकों को बरगला रही है। आतंकी संगठन युवकों को विभिन्न तरह के वीडियो दिखा रहे हैं और प्रलोभन देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी भास्कर ज्योति महंत की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है, ये बड़ा बयान सामने आया है। असम आतंकी संगठनों के निशाने पर है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के रास्ते जेएमबी, अलकायदा सहित कई आतंकी संगठन राज्य में प्रवेश करने की फिराक में है और असम पुलिस राज्य में इन आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले कई लोगों की जानकारी उनके हाथ लगी है। कछार जिले में असम मिजोरम सीमा इलाके का दौरा करने के बाद उन्होंने ये बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन अपना नेटवर्क बनाने के लिए हदिश शिक्षा के साथ अन्य कई तरह के प्रलोभन देकर मुसलमान युवकों को बरगला रहे हैं। उन्हें कई तरह के वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। We have already busted several LGBT modules, you know about it, and several Bangla team the modules. We have already busted several. AQIS is now showing bit of an interest for expansion into India's northeast, Al-Qaeda, India's subcontinent. They have released two videos. In one of the videos, Zawahiri has himself given an appeal to do hijra into Assam. Hijra means go to Assam. So that kind of an appeal being given to international soldiers. So that's a little disturbing. And another disturbing factor is that AQIS quarterly magazine is now being published in Bengali language, which is dangerous. That means there has been some goings on in Bangladesh as well as Assam. Okay. So there could be some effort to radicalize youngsters and things like that. But in Assam, our boys and girls are doing fine. They are not getting radicalized so much. Some quarters they are trying to do it, but now we are going to stop it.